और दूसरी गाड़ी जो है वो अनलोड होने को रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हाथ में एक गाड़ी और यहाँ पे आ रही है और आप लोग देख सकते हैं ये भी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं। बस कोशिश में तो ये लगे हुए हैं कि इसको थोड़ा सा चलाएंगे, रनिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा सा भाई ये बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं इसके। 1,80,000। 1,80,000 तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? 10 लाख। 10 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमशेद आसमा इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुर्बानी का सीज़न स्टार्ट हो गया है और इसी तरीके से हमारा वर्क भी जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज भी हम सराबकोट मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर जो अभी सूरत। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग ओवरव्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 2 स्टॉल्स अभी स्टेबल हुए हैं और अभी भी इनके जानवर उतर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटल्स ये उतार रहे हैं और हमने मालूम किया तो बता रहे हैं कि ये तकरीबन आउट ऑफ सिटी से ही लाते हैं, जितने भी व्यापारी लेकर आते हैं जानवर, तो नौशहर व फिरोज़ से ये जानवर उतर रहे हैं। और गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ये खाली कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी गाड़ी जो है वो अनलोड होने को रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारे के जो बोरे हैं यानी कि जो पैकेट्स हैं वो बिल्कुल डोर पे हैं। इसके बाद जानवर हैं इस गाड़ी के अंदर। फर्दर यहाँ पे जो पोजीशन है आप कैटल्स की देख सकते हैं और ये कैटल्स जो है वो अभी अनलोड हो चुके हैं। तो सफ़र करके आए हैं, आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं थोड़े से जानवर परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में ये सेटल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसे ही कुर्बानी का जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है तो लोग जो है वो मंडी की यानी कि सराबकोट मंडी की जानिब रुख करते हैं और यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं ये भी लोगों के लिए फ़राक लगा के बैठे होते हैं कि जनाब कौन सा बड़ा मुर्गा आता है तो उसको हम ज़िबा करें। तो देखते हैं कि इस लड़ाई में, इस कश्मकश में कौन कौन यहाँ पर आता है। आज तो हम पब्लिक की जो सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम कुछ लोग मौजूद हैं और मंडी की जो सूरत हाल वो कुछ ऐसी है कि स्टॉल्स तो इस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं हुए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक गाड़ी और यहाँ पे आ रही है और आप लोग देख सकते हैं ये भी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे भी जानवर काफ़ी लंबा सफ़र करके आते हैं। तो आइए यहाँ पे जो जिस स्टॉल पे हम लोग मौजूद हैं यहाँ के व्यापारी से बात करते हैं और देखते हैं यहाँ के कैटल्स के क्या रेट हैं। कंडीशन हो गया, आप तमाम व्यूवर्स को दिखा रहे हैं अभी, ये बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो रही है ये कैटल जो है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, टायर्ड हो गई है यानी कि थक गई है। बेटा इसको पानी का छींटा तो मार दो, मार दे, दवाई किया है इसको, थका हुआ है ना इसलिए। हाँ, थका हुआ है, थकावट की वजह से। एक मिनट सुनो, थका हुआ है ना तो उसको लेटा रहने दो, खड़ा मत करो, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए ना, खड़ा करके थोड़ा उसको चलाएगा ना फिर सही होगा। बस कोशिश में तो ये लगे हुए हैं कि इसको थोड़ा सा चलाएंगे, रनिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, क्योंकि जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो घबरा भी जाता है। तो घबराहट की कंडीशन में इस तरीके की भी कंडीशन हो जाती है। तो लगाओ लगाओ लगाओ, देखो 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 बिना भाई इनके भाई पैर 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 सीधा करो उसका, ये सही उतरी थी या ऐसी डायरेक्ट गिर गई थी? नहीं नहीं, वहाँ से तो उतरा, सही उतरा, अभी बैठा था गया था। अच्छा, ये अभी इसके टांगों में इतना ताकत नहीं है, कितना सफर था गाड़ी में। मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा रेस्ट करने दो। रेस्ट करने देते हैं, जरा सा ये रेस्ट कर लेगा ना इसके पैरों में जान आ जाएगी, खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा कोई गीला कपड़ा लेके ना इसकी बॉडी पे फेर दो, पानी वानी दो इसको। सीधा
था नहीं रहा देखने बैठ गया फास दानी फास दानी बस थकते बुखार थे हम बस हम के दर्द ही बस यही थकते बुखार बस हां ब्रो पेने रोटी क्यों हो रे दा पूरा हां बली बस कुछ खिला के नहीं निकलते वहाँ से जब सफ़र से निकलते हैं खिलाते नहीं नहीं खिलाएंगे तो रास्ते में उसको फिर वो होगा आप हो जाएगा इसी वजह से तो 18 घंटे के सफ़र में जब जानवर कुछ नहीं खाया हुआ होता क्योंकि इन लोगों का एक रूल है कि जब सफ़र पे निकलते हैं तो कुछ खिलाते नहीं है नहीं नहीं हाँ तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जानवर जब एक सफ़र करके आते हैं तो थकने के बाद इनका क्या हशर हो जाता है आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया और साथ साथ यहाँ पे व्यापारी भी कोशिश कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा चलाएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा बेहतर हो जाएगा हाँ हाँ अच्छा इस तरीके की कंडीशन होती रहती है कैटल्स की जी इस तरीके की कंडीशन होती रहती है गायों की हाँ हाँ बहुत गायों की ऐसे होती है कि वजन की ये वजन जो इसके बड़ा है 4 मन से तक इसका वजन है होती है 4.5-4 मन का बछड़ी होता है तो इसी वजह से खड़े होके उसके पाँव थक जाते हैं इसी वजह से तो बैठ जाए थक जाता है तो अभी बीमारी में तो नहीं आएगी नहीं नहीं बीमारी बीमारी कुछ भी नहीं है बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल तो ये कितने तक की मालियत की है अभी कौन सी ये 2.5 लाख की बची है 2.5 लाख इसकी आपने डिमांड रखी हुई है अच्छा जी भाई 2.5 लाख रुपए इसकी यहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी हुई है और अब थोड़ा मूवमेंट में आई है हाँ हाँ हमारे मिल जाए तो दवाई वगैरह इसको पिला दिए जी जी हाँ दवाई ये ब्रूफेन पिलाया है बुखार के लिए और थकावट का भी पिलाया है इसको अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम भाईजान क्या नाम है आपका मोहर खान तो ये बताएं कहाँ से आए हैं आप जगमाबाद से भाईजान अच्छा तो यहाँ पे कितने कैटल्स लेकर आए कितनी गाय लाए गाय 45 लाए हैं भाई 45 लाए हैं तो 45. कम से कम किस रेट में यहाँ पे बेचेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा किस रेट ये में 3 लाख से लेकर 1.5 लाख तक अच्छा ऊपर वाला ऊपर हाँ 3 लाख और नीचे वाला नीचे कम से कम 1.5 लाख कम से कम 1.5 लाख जी हाँ भाई और जो लाख से नीचे वाले कस्टमर हैं उनके लिए क्या मिलेगा हाँ वो हैं दूसरे भाइयों के पास भी हैं छोटे वाले बच्चे हैं वो भी मिल जाएंगे अच्छा उनके पास भी हैं दूसरे तो व्यूअर्स एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ इनके कैटल्स का ये इनके पास कैटल मौजूद हैं जो इन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होंगे और 3.5 लाख रुपए तक होंगे इनके पास जी ये जो हम सफ़ेद वाली देख रहे हैं कैटल इसके बारे में बताएं कौन सी नस्ल है ये बोली नस्ल है भाई और ये बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी 1,80,000 वज़न कितना होगा इसका वज़न तकरीबन 3.5 मन का होगा 3.5 मन इसका वज़न बता रहे हैं वैसे वजन ये आप कांटा कराते हैं वजन नहीं 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 वजन का कांटा ये कुर्बानी का एक कांटा नहीं होता है भाई तो अंदाजे से बता रहे हैं हाँ अंदाजे से बता अच्छा तो फाइनल कितने के होंगे इसके ये भाई फाइनल है ये भोली नस्ल का है ये बहुत महंगा पड़ता है वहाँ में लेने में भी हमको महंगा पड़ता है ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं कैटल कौन सी नस्ल के ये सर पंजाब की नस्ल है हम लेके आते हैं वहाँ अपने गाँव में रखते हैं इसको 6-7 महीने रखते हैं वहाँ पे ये 2,30,000 की है 2,30,000 डिमांड कर रहे हैं कितना वज़न होगा इसका वजन का पता नहीं भजन वजन तो हम कहाँ से इतनी वजन करेंगे फिर भी आप पालते हैं आप लोगों को अंदाज़ा तो रखते हैं तो 4.5 मन का बचिया होगा भाई अच्छा तो दांत कितने हैं इसके 2 दांत भाई जी ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं हाँ बाबा ये भी 2 दांत है ये 2,60,000 की है 2,60,000 डिमांड कर रहे हैं 2 दांत है और नस्ल कौन सी है ये भी सिंध का नस्ल है सिंध की नस्ल है और ये बताएं फाइनल कितने में दे देंगे ये वाला ये भी तकरीबन 2,000-5,000 तक कम कर सकते हैं और वजन में तकरीबन कितना होगा वजन में 4-4.5 मन का होगा भाई 4.5 मन तक का होगा जनाब ये बताएं कि कौन सा ब्लॉक है ये ब्लॉक नंबर 3 वीआईपी पट्टी है 5 5 जी अच्छा और ये बताएं कि कब आए यहाँ पे हम कल पहुँचे हैं शाम को 3 बजे अच्छा शाम को 3 बजे पहुँचे हैं तो कितने घंटे का सफ़र था ये 17-18 घंटे का सफ़र तय किया है 17-18 घंटे का सफ़र तय किया है तो अच्छा मज़ीद अगर यहाँ पे कोई आता है आपसे ख़रीदने के लिए तो इस जो आपने रेट बताया उसमें और कमी पेशी करेंगे हाँ हाँ हो जाएगा नीचे ऊपर करेंगे अच्छा तो आपका फ़ोन नंबर है तो शेयर कर दें हाँ हाँ 0-44-39-4-75 नाम बता दें मोहर खान चलें बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह थैंक यू मेहरबानी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका फिदा हुसैन जनाब ये बताएं कहाँ से हैं आप हम सिब्बी से आए सिब्बी से हैं जी हाँ कितने जानवर लेकर आए 46 लेकर आए तो कितने दिन का सफ़र था 2 दिन का सफ़र था 2 दिन का सफ़र था तो जानवर ज़्यादा थके हैं आप हाँ बहुत थके हुए हैं अच्छा ये बताएं कि किस रेंज में आपके पास जानवर मौजूद हैं हमारे पास हल्के वाला भी हैं भारी भी हैं सारे हल्के से हल्के कितने रेट हैं हल्के से हल्के 85-90 तक हैं और भारी से भारी भारी से भारी 1.5 लाख तो 1,80,000 तक है तो देख लेते हैं जानवर आप साथ साथ उनके वज़न और रेट बता दिए सही जी जनाब ये जो हम देख रहे हैं कैटल सबसे पहले तो ये बताएं कि ये 2 दांत है जी हाँ सही बिल्कुल 2 दांत है
अच्छा, तो वजन के अतबार से देखें कितना वजन होगा इसका? वजन इसका तकरीबन 2 मन होगा। 2 मन वजन होगा जी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या डिमांड है इसकी, क्या मांग रहे हैं इसके? इसका मांग रहे हैं हम 85 मांग रहे हैं। और फाइनल कितने तक में दे देंगे? फाइनल कुछ 4-5 हज़ार इधर उधर करेंगे। अच्छा जी। और अगर कोई आपको ऑफर देता है 60 की या 70 की? 60-70 के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी नस्ल की है? ये सिब्बी का छोटा नस्ल है। सिब्बी की छोटी नस्ल हाँ। है ये। अच्छा, वजन में मुझे ये कुछ कम लग रही है, आपने 2 मन बताए तो 1.5-2 मन तक। ये 2 दिन इन्हों के हुआ सफर करके आए इधर, ये अभी खाली लग रहे हैं, आपको दिखाई में ऐसे दे रहे जो एक छोटा है। अच्छा हाँ। तो कितने दिन में सेट हो जाएंगे ये? तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे सेट होने में जी। पिछले साल जो है ये 50-45 इतना बड़ा जो जानवर है वो इस रेट में बिका है, तो इस साल इतना महंगा क्यों है? इस साल महंगाई बहुत हो गया और ये खर्चे का भी, ये जगह का भी खर्चा हमने इस साल, ये पिछले साल ये पट्टी 50,000 में था, इस मरतबा हमारे को 75 में मिला है। पिछले साल टैक्स 1600 था हमारे को, इस साल 1800 टैक्स लिया हमारे से। लेकिन फिर भी अगर ये छोटे छोटे आप चीज़ें लगाएंगे तो उससे भी इतना ऊपर तो नहीं जाता एक जानवर का रेट? बहुत ऊपर जाता है ना। छोटी चीज़ें नहीं है ना ये सर, ये छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है पर ये हमारी जेब से निकली हुई है। अभी ये देखो, एक खाली ड्रम हम लोगों को दिया है इन्होंने, ये 22,000 के ड्रम है, ये वाले 22,500 के हैं, 3500 का एक ड्रम दिया इन्होंने, ये हमारे काम के तो नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो पैसे काटते हैं बकाया, पानी पूरा हो रहा नहीं, पानी भी नहीं दे रहे हैं पूरे में, दे देते हैं सर। ठीक है, तो आइए व्यूअर्स दूसरे कैटल्स पे नज़र डालते हैं जी। ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसके बारे में जी जी, कौन सी नस्ल का है? ये सिब्बी का नस्ल है ये भी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? इसका 2 लाख। 2 लाख मांग रहे हैं इसके जी। और वजन कितना होगा इसका? इसका 5-5.5 मन होगा। 5-5.5 मन वजन होगा। दांत कितने इसके? 2 दांत है। 2 दांत है। अच्छा, तो फाइनली कितने तक में दे देंगे ये? फाइनली बस 180 तक होगा। 180 तक होगा। तो व्यूवर्स, पोजीशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप लोग कि एक गाड़ी और आ गई है जो जानवरों से लोड है और व्यापारी अंदर आ गए मंडी के। तो अपकमिंग जो कंडीशन होगी मार्केट की, तो लग तो यही रहा है कि काफ़ी अच्छी लग जाएगी और व्यापारी आ रहे हैं मंडी की जाने के रुख कर रहे हैं जी। जनाब, ये जो हम देख रहे हैं कैटल, इसके बारे में बताएँ कौन सी नस्ल है ये? ये पंजाब का नस्ल है। पंजाब का नस्ल है। और ये बताएँ कितने 2 दांत हैं ये? हाँ, 2 है। 2 दांत है। वजन कितना होगा इसका? इसका 2.5 मन होगा। 2.5 मन वजन होगा इसका। क्या डिमांड कर रहे हैं इसका? हम 1.10 मांग रहे हैं। 1,10,000 रुपये इसकी डिमांड बता रहे हैं। और बच्चिया है ये, और 2 मन वजन इसका बता रहे हैं आप जी? हाँ, 2.5 मन। 2.5 मन जी हाँ, 2.5 मन। तो फाइनली कितने तक में दे देंगे? फाइनली ये बस 95 तक होगा, कम नहीं। 95 तक हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, ये जो आप वेट बता रहे हैं 2 मन 2.5 मन, तो अंदाजे से बता रहे हैं या इसके आपने कांटा किया हुआ है? कांटा नहीं किया है, हम अंदाज़ से बता रहे हैं, हम कारोबारी व्यापारी है हमारे। फिर भी अगर इसका कांटा कराया जाए तो जो आप अंदाज़ से बता रहे हैं उसी वजन में निकलेगा इंशाल्लाह, वही वजन निकलेगा। तो व्यूवर्स, इनके स्टॉल पे हमने जो जानवर देखे हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, और इन्होंने जो मिनिमम रेट बताया वो तकरीबन 85 से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप लोगों को एक ओवरव्यू मैंने दिखा दिया, यहाँ पे तकरीबन जानवर इस साइज़ के हैं और ये अभी अभी आए तो काफ़ी थके हुए भी हैं, तो हमने 2-4 जानवर इनके ऑलरेडी चेक कर लिए। तो ये बता दीजिएगा कि अब अगर कोई लेने आता है तो उसको इसमें डिस्काउंट करेंगे और कुछ मुनासिब रेट हो जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें, अपने फ़ोन नंबर 0311-3454-882। नाम बता दें। फिदा हुसैन। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कय्यूम। ये बताएं कहाँ से आए आप? नौशेर फिरोज से। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने कैटल लेकर आए, कितने जानवर लाए? 70 जानवर। अच्छा, तो कम से कम किस रेट के जानवर हैं आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा किस रेट के हैं? वो मिलेगा आपको 2 तक मिल जाएगा, 2 लाख रुपए तक, कम से कम। कम से कम 2 लाख रुपए तक। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मिलेगा? 7-7.5 तक। 7-7.5 लाख रुपए तक। अच्छा, तो व्यूवर्स आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ इनके कैटल्स का। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और हेल्दी कैटल्स इनके पास मौजूद हैं। तो ये बताएं कि क्या सारा साल आप खुद पालते हैं इन्हें? खुद पालते हैं। तो क्या खिलाते हैं इनको? ये आटा और इन्हें क्या बैठी थी, घास, आटा, वो खीर, दूध। अच्छा जी, जी ये जो हम देख रहे हैं कैटल, इसके बारे में बताएं, ये ब्राउन वाला जो है? जी जी। क्या ये दूध पिला? दूध भी इसको देते हैं 3-4 किलो टेम देते हैं। कौन सी नस्ल है ये? साहिवाल का है। साहिवाल नस्ल है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना वजन है इसका? ये 10-11 तक हो जाएगा।
10-11 मन तक, 10-11 मन इसका वजन बता रहे हैं। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। और फाइनल कितने तक में दे देंगे? फाइनल वो तो ग्राहक के ऊपर है। जो एक माइंड होता है कि यार मैं इतने तक में बेच दूंगा, इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, 8 तक इंशाल्लाह निकल जाएगा, 8 तक इंशाल्लाह दे देंगे। तो दांत कितने? दो दांत है जी। ये जो हम जानवर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये भी साहिवाल का नस्ल है। तो इसकी क्या डिमांड है? ये कितने का? 12 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। और वज़न में कितना होगा ये? वज़न सही 13-14 मन हो जाएगा। 13-14 मन वज़न होगा इसका। और दांत कितने इसके? 4 दांत है। 4 दांत है, अच्छा। तो फाइनली कितने तक में दे देंगे ये? इंशाल्लाह 9-9.5 तक निकल जाएगा। 9-9.5 लाख रुपए तक में ये बेचने का आपका इरादा है जी। ये जो हम जानवर देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, कौन सी नस्ल है और क्या डिमांड कर रहे हैं? ये साहिवाल का नस्ल है। इसके मूल जो है 4.5 लाख रुपये का। 4.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, अच्छा। ये बताएं वज़न कितना होगा इसका? ये तकरीबन हो जाएगा 6 महीने तक हो जाएगा। 6 महीने वज़न होगा इसका, अच्छा। तो ये बताइएगा कि दांत कितने हैं इसके? 2 दांत हैं। 2 दांत हैं। और फाइनली कितने तक देंगे अगर कोई 2 लाख की आपको ऑफ़र करे इसकी? बस ये 3.5-4 तक निकल जाएगी। 3.5-4 तक निकल जाएगा इंशाल्लाह। जनाब ये जो हम देख रहे हैं पेयर यानी के जोड़ी, इसके बारे में बताएं। काली, ये काले साई तकरीबन ये मांग रहे 6 लाख रुपए जोड़ी के। जोड़ी के 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये दोनों जो कैटल हैं इनके कितने दांत हैं? 2 दांत है। दोनों 2 दांत हैं? 2 दांत है। और वज़न कितना होगा एक का? वज़न इसके होगे 4.5 तक हो जाएगा एक एक का। 4.5 महीने हो गए। ये खूबसूरत है ना। और कितने में दे देंगे फाइनली? ये 5.5 तक निकल जाएगा। 5.5 तक फाइनल बोल रहे हैं ये दे देंगे। और ये दोनों आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये पेयर की डिमांड इन्होंने बताई है जी। ये जो मैं देख रहा हूँ अलग से आपने एक सेपरेट उसमें बांधी हुई हैं, तो ये क्या बच्ची हैं? जी ये बच्ची हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या डिमांड है इसके? 8.5 लाख रुपये। एक बच्चे के? 4 के 8.5 लाख रुपये बता रहे हैं। और एक बच्चिया के क्या डिमांड होगी? एक की ऐसे समझो कि अलग जो जाएगी वो तकरीबन 2.5 तक निकल जाएगी। एक बच्चिया 2.5 लाख रुपए तक? 2.5 लाख रुपए मांग रहे एक बच्ची की। अच्छा, और ये बताएं दांत कितने इसमें? 2 दांत है। सब 2 दांत हैं? हाँ, 2 दांत। तो वज़न कितना होगा एक बच्चिया में? ये 4 महीने तक हो जाएगी एक एक। 4 महीने से कम नहीं होगा कुछ मुझे लग रहा है काम होगा? नहीं, वो तो अलग है ना, वो हल्की है, 3.5 तक हो जाएगी। ये जो बीच में खड़ी है वो 4 तक हो जाएगी। ये जो सामने ये 4 तक हो जाएगी, बाकी वो भी 4 तक हो जाएगी। या थोड़ा फ़र्क तो होगा ना। अच्छा, ये अंदाजे से बता रहे हैं आप जितना भी? अंदाज़ा ना, फिलहाल तो अंदाज़ा। अच्छा जी, ये जो हम देख रहे हैं ब्राउन और वाइट पैचेस के अंदर जो जानवर है, इसके बारे में बताएं, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। और वज़न कितना होगा इसका? वज़न 6 महीने तक हो जाएगा। नस्ल कौन सी है ये? साहिवाल की। साहिवाल नस्ल है, 6 महीने वज़न बता रहे हैं। और दांत कितने हैं इसके? 2 दांत है। तो फाइनली कितने तक में दे देंगे ये? इंशाल्लाह 3.5 तक निकल जाएगा। 3.5 लाख रुपये फाइनल डिमांड बता रहे हैं इसके। अच्छा, देख रहा हूँ ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जानवर है। तो इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये इसकी डिमांड रखी है। और ये बताइएगा दांत कितने इसके? 2 दांत है। 2 दांत हैं। वज़न कितना होगा इसका? ये वज़न तकरीबन 4.5 महीने तक हो जाएगा। 4.5 महीने तक। 4.5 महीने वज़न बता रहे हैं। तो फाइनली कितने में दे देंगे? 3.5 में हो जाएगी फाइनल। 3.5 लाख रुपये में फाइनल हो जाएगी। और 2 दांत हैं? 2 दांत है। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स को इन जनाब के कैटल्स दिखाए जो ये लेकर आए थे। तो कब उतरे ये कैटल्स, कब लेकर आए? अभी निकले आए। भी आए? हाँ हाँ, अभी आए। तो अभी उतारे। सफ़र में कैटल्स खड़े खड़े थक जाते हैं, वो तो क्या करते हैं उसके लिए आप? बस अभी तो हल्का फुल्का घास दे रहे, सूखा जो दे रहे, टेबलेट कुछ करेंगे, थोड़ा इसको दवाई लगाएंगे, सही हो जाएगा कल तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर कोई भी ख़रीदने आता है तो आपने उसके साथ रियायत करनी है। हाँ, वो तो है, बिल्कुल बार्गेनिंग करनी है। बिल्कुल रियायत, ठीक है
चले अपना नाम बता दें, फोन नंबर बता दें। अब्दुल कयूम नाम है मेरा। फोन नंबर 0303-309-6505। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, आप हमारे मेहमान हैं, अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कीजिएगा। मेहरबानी, जज़ाकल्ला। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स को ये बता देता हूँ कि आज जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं, ये 5 ब्लॉक के नाम से हैं, यहाँ पे जो जगह प्लेस है, इस जगह पे आज हम मौजूद थे और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सराब गोड की मंडी को विज़िट करें। तो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भरपूर तरीके से मंडी नहीं लगी है, चंद स्टॉल लगे। तो यहाँ पे आज 5 ब्लॉक में विज़िट किया था और फर्दर इसी तरीके से आगे और ब्लॉक्स में भी विज़िट करते रहेंगे। तो आगे जो हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं और मंडी की कवरेज करते हैं, जैसे जोकिया मंडी हो गई और दूसरी मंडीज़ को भी कवर करते हैं, तो जैसे कि जोकिया मंडी को कवर करते हैं, जानी मंडी को कवर करते हैं, सराबगोड मंडी को कवर किया है, तो आप रेट ख़ुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस मंडी की तरफ आपने रुख करना है। तो हमारा तो रोल यही रहता है कि जहां पे सबसे मुनासिब रेट मौजूद हो वो आप तमाम व्यूवर्स को बताए जाएं, दिखाए जाएं वीडियो में, और मुनासिब से मुनासिब जानवर दिखाया जाए आपको। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।